चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा कन्नौज से है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, चुनावी रंजिश को लेकर नेता की हत्या की गई है। बीजेपी नेता नीरज पांडे को गोली मारी गई है। सपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करने का आरोप लगा है। प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। कन्नौज के गुसाईदासपुर चौराहे की घटना आपको तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी नेता नीरज पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है और इसी बीच पंचायत चुनाव से पहले ऐसी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश के चलते ये हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता नीरज पांडे को गोली मार दी गई है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो चुनावी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी नेता की हत्या की गई है। सपा प्रत्याशी पर हत्या का आरोप लगा है। कन्नौज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी रंजिश को लेकर नेता की हत्या की गई है। बीजेपी नेता नीरज पांडे को गोली मारी गई है। सपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करने का आरोप लगा है। प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश के चलते हत्या का मामला बताया जा रहा है और ये पूरी घटना कन्नौज के गुसाईदासपुर चौराहे की बताई जा रही है। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, इसकी वजह से बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या का आरोप सपा प्रत्याशी पर लगा है। तो कन्नौज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव है, 15 अप्रैल को पहला चरण होगा और उससे पहले ऐसी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता नीरज पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करने का आरोप लगा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता की प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है, सपा प्रत्याशी पर आरोप लगा है। कन्नौज के गुसाईदासपुर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, भैया पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कन्नौज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, 15 अप्रैल से पहला चरण होगा। भाई इसी बीच हिंसा की खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा है। तो चुनावी रंजिश को लेकर नेता की हत्या की गई है, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, नीरज पांडे को गोली मारी, सपा प्रत्याशी पर हमला करने का आरोप लगा है। वही पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करने का आरोप लगा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से। जब बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, चुनावी रंजिश के चलते यह हत्या कर दी गई है। तो पंचायत चुनाव से पहले चुनावी रंजिशें हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी रंजिश की वजह से बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, नीरज पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वही इसका आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा है। तो सपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल फूक चुका है, पहला चरण 15 अप्रैल को है। इसी बीच बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी रंजिश को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। वह इस हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजेपी नेता नीरज पांडे की चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई, सपा प्रत्याशी पर इस हत्या का आरोप लगा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्नौज से चंद्रप्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश, आखिरकार ये बीजेपी नेता की जो हत्या की गई है, क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे?
जी बिल्कुल, जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय, पंचायत चुनाव युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। आपको बताते चला कि कल देर शाम का मामला है, अज्ञात लोगों ने कुरदाईपुर गांव के एक गांव में अज्ञात लोगों ने एक बीजेपी नेता पे हमला कर दिया था, जिसकी गोली मार दी, जिसकी गंभीर हालत हो गई थी, जिसको कानपुर रेफर कर दिया गया था, जिसके वही नीरज दुबे नामक जो नेता बताए जा रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है, गाँव के ही सपा नेता है, उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। जो ये बीजेपी नेता है, गंभीर हालत इनकी बनी हुई है, कानपुर में रेफर कर दिया गया, कानपुर में इलाज जारी है। जी, पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी पार्टी तरफ से अभी कोई हालत की बयान सामने नहीं आ पाया, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, मृतक के परिजनों से आपने कुछ बात की, उनका कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से परिजन है, परिजनों को काफी गुस्सा देखा जा रहा है, परिजनों ने अज्ञात जो सपा नेता हैं उनके खिलाफ तहरीर दी है, जिस तरह से उनका नीरज दुबे का कहना था, सपा नेता ने उन पर हमला किया है, जिस तरह से सपा नेता पे बात की गई, उनका कहना है हम लोगों ने कोई हमला नहीं किया, अज्ञात लोगों ने हमला किया है। जी, सपा प्रत्याशी के ऊपर इस हत्या का आरोप लगा है। जी, तो पुलिस अभी तक सपा प्रत्याशी तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, ऐसा मामला संदिग्ध लग रहा है, पुलिस पूरे मामले के जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस जो भी सच्चाई सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।